इस साल उन्हें नीट का एग्जाम देने से मना कर रहे हैं। अगर सितंबर में नीट का एग्जाम होता है तो पेरेंट्स के अंदर ये डर है कि कहीं उनका बच्चा एग्जाम सेंटर में जब वो जाएगा एग्जाम देने तो कहीं वो COVID-19 से इन्फेक्ट ना हो जाए। और ऐसा सोचना जाहिर सी भी बात है क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स के अंदर बच्चों के लिए कंसर्न भी बढ़ती चली जा रही है कि कोई भी ऐसा स्टेप वो ना ले जिनकी वजह से उनकी पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़े, उनके बच्चे को सफ़र करना पड़े। इस वीडियो में मैं आप सभी से एक SOP डिस्कस करने वाली हूँ, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि NTA ने एम्स एक्सपर्ट को रिक्वेस्ट किया है। NTA ने रिसेंटली एम्स के एक्सपर्ट्स को रिक्वेस्ट किया है कि वो एक SOP डिज़ाइन करें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिसाइड करें कि जब नीट का एग्जाम होगा तो जिस दिन नीट का एग्जाम होना होगा 13 सितंबर को क्या क्या रूल्स फॉलो करे जाएंगे। उस गाइडलाइंस को बनाने की जिम्मेदारी NTA ने एम्स के एक्सपर्ट्स को दी है। आपके नीट के एग्जाम होने से एक दो हफ्ते पहले इस गाइडलाइन की PDF आपकी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज ये है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है वो लोग भी बस इस चीज से अवेयर हो जाएं कि एग्जाम सेंटर में सैनिटाइजेशन फैसिलिटी प्रॉपरली मेंटेन करी हुई है, साथ ही ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी स्टूडेंट को इन्फेक्शन बिल्कुल भी ना हो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश NTA करेगा कि उनके स्टूडेंट को एग्जाम कंडक्ट कराने की वजह से कोई भी हार्म ना हो। अब हम पहले बात करते हैं एग्जाम सेंटर में एंटर करने से पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो ये माना गया है कि आपको ग्लव्स पहनने हैं जो भी स्टूडेंट्स इस साल नीट का एग्जाम देने वाले हैं। एग्जाम सेंटर में ये चेक किया जाएगा। एग्जाम सेंटर में तब तक आपको अंदर अलाउ नहीं करा जाएगा जब तक आपके हाथों में ग्लव्स ना हो, फेस पर मास्क ना हो और आपके हाथ में एक छोटी सैनिटाइजर की बोतल ना हो। ये तीनों चीजें मैंडेटरी हैं, अदरवाइज आपको एग्जाम सेंटर में एंटर नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड, ID कार्ड, ये सारी चीजें जो कि पिछले साल तक चलती आई थी वो सारी तो वैसे ही चलेंगी, लेकिन आपका ग्लव्स का होना, आपके हाथ में सैनिटाइजर की बोतल का होना और साथ में फेस मास्क होना भी बहुत जरूरी है। अब जब आपको एग्जाम सेंटर में एंटर करने के लिए बुलाया जाएगा, पहले आपने देखा होगा कि लाइन वाइज बच्चे एंटर किया करते थे कि एक एक लाइन से बच्चे को बुलाया जाता था और एडमिट कार्ड, ID कार्ड चेक करने के बाद बच्चे को एंट्री दी जाती थी। इस बार 30 स्टूडेंट्स के बैचेस में बच्चों को एंट्री मिलेगी। 15 बॉयज 15 गर्ल्स करके ग्रुप बनाया जाएगा, वो एंटर होंगे। जब ये बच्चे चले जाएंगे उसके बाद वापस से 30 का बैच बनके एग्जाम सेंटर में स्टूडेंट्स एंटर करेंगे। आपके एंट्रेंस गेट पर ही, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसके एंट्रेंस गेट पर ही आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर आपके टेम्परेचर में कुछ भी डेविएशन लगी, कुछ भी गड़बड़ लगी तो आपको एक डिफरेंट रूम में एग्जाम देना दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा अलग आता है तो आपको एग्जाम देने से मना किया जाएगा, पर यह है कि आपको सब बच्चों के बीच में नहीं बैठाया जाएगा, आपको सेपरेट क्लासरूम में बैठाकर एग्जाम दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप लोग फेस मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर की बोतल लेकर साथ जा रहे हैं। साथ ही अपने साथ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जाइएगा। कोशिश करिएगा कि आप एग्जाम सेंटर से पानी ना पिए, अपनी खुद की ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जाइएगा, ठीक है। साथ ही ड्रेस कोड की अगर हम बात करें तो जो पिछले साल तक ड्रेस कोड चला आ रहा था, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में NEET 2019 ड्रेस कोड, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी पिछले साल, उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। जो ड्रेस कोड पिछले साल तक चला आ रहा था वही ड्रेस कोड इस साल भी फॉलो होगा कि आपको हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, प्रिंट्स ज्यादा अवॉइड करने हैं अपनी ड्रेस पे, पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, मेटल के ऑब्जेक्ट्स अवॉइड करिएगा पहनना और मेटल डिटेक्टर भी आपके एग्जाम सेंटर में होगा तो अवॉइड करिएगा ऐसी कोई भी चीज पहनना जहां पर मेटल यूज हो रहा हो, ठीक है। तो उस लिंक के जरिए आप देख सकते हैं कि NEET 2019 में क्या ड्रेस कोड फॉलो हुआ था, वही ड्रेस कोड इस साल भी फॉलो होगा। बस ड्रेस कोड में एडिशनल चीजें क्या गई है, फेस मास्क और ग्लव्स। तो ड्रेस कोड के बारे में तो इतना था। अब जब आप एग्जाम सेंटर में एंटर कर चुके होंगे, आपकी हर एक सीट पर जहां पर भी स्टूडेंट बैठेगा उस सीट पर सैनिटाइजेशन हो रखा होगा, आपकी पूरी क्लासरूम एग्जाम से पहले सैनिटाइज करी जाएगी। साथ ही आपके जो इन्विजिलेटर्स होंगे उन्होंने भी अपने हाथों में ग्लव्स पहना होगा और फेस पर फेस मास्क पहना होगा ताकि उनसे भी अगर आपको बिल्कुल भी इन्फेक्शन के चांसेस ना रहे। साथ ही अगर किसी स्टूडेंट को वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाने के लिए कोई इन्विजिलेटर आपके साथ जाएंगे। वॉशरूम स्टाफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि स्टूडेंट जब भी वॉशरूम से बाहर आता है तो वो अपने हाथ प्रॉपरली वॉश करे और सैनिटाइजेशन यूज करे और उसके बाद अपनी क्लासरूम में एंटर करे। साथ ही 12 स्टूडेंट्स के लिए दो इन्विजिलेटर रखे जाएंगे, तो हर 12 बच्चों के लिए दो इन्विजिलेटर की ड्यूटी होगी। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो वो अपने इन्विजिलेटर से बात कर सकता है, ठीक है। तो पेरेंट्स से बस मैं इतना ही कहूंगी कि
एनटीए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इन्फेक्शन बच्चों को बिल्कुल भी ना हो। सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे ताकि लाइव क्या हो रहा है पता चलता रहे, ठीक है। तो हर बच्चे की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही नीट का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो इन सब गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद ही पेरेंट्स डिसाइड करें कि क्या सच में वो इस साल बच्चों को नीट का एग्जाम देने से रोकना चाहते हैं या फिर नहीं। इस वीडियो को बनाने का ये पर्पज नहीं है कि मैं पेरेंट्स को कहूंगी कि आप प्लीज अपने बच्चों को एग्जाम इस साल दिलवाइएगा ही, वो आपका बच्चा है, आपसे ज्यादा कंसर्न उसके लिए और कोई नहीं हो सकता है। आप उसके भले के लिए ही मना कर रहे होंगे अगर कर भी रहे होंगे तो, लेकिन मेरा फर्ज था कि आप सभी को बताना कि पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट को बिल्कुल भी कुछ भी हार्म ना हो। ये एसओपी और ड्रेस कोड के रिगार्डिंग जब भी गाइडलाइन आए एक बार उसे जरूर रीड करिएगा। साथ ही जिन बच्चों के पेरेंट्स मना कर रहे हैं इस साल नीट का एग्जाम देने के लिए, वो भी प्लीज अभी से प्रेपरेशन ना छोड़ दे कि इस साल तो मुझे एग्जाम देना ही नहीं है, क्या पता नीट का एग्जाम वापस से पोस्टपोन हो जाए और आप इस भरोसे लगे हुए हैं कि मेरे पेरेंट्स ने तो सितंबर में नीट का एग्जाम देने के लिए मना किया था और मैं क्यों प्रिपेयर करूं। क्या पता ऐसा हो जाए कि सितंबर में एग्जाम ना हो और बाद में एग्जाम हो जाए, कुछ मंथ से पोस्टपोन हो जाए और आप इसी भरोसे बैठे रह गए कि मैं नहीं, मैं इस साल प्रिपेयर ही नहीं करूंगा, पेरेंट्स ने मना किया है, और दिसंबर में कोविड 19 के केसेस कम होते चले जाए, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो और आपके पेरेंट्स के लिए अब तुम एग्जाम दे लो, फिर आप क्या करोगे। तो इस भरोसे मत रहना। और मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस है या नहीं है, इन सब के बारे में भी ना सोचा जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए प्लीज़ अपनी प्रेपरेशन पर ध्यान दीजिए। ड्रेस कोड के लिए वीडियो लिंक मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। इस टाइम पर आपका फोकस पूरा अपनी प्रेपरेशन पे होना चाहिए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि आप लोगों को बिल्कुल भी हार्म ना हो। अगर सितंबर में आपका एग्जाम हो तो हर एक बच्चे की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए कंडक्ट कराया जाए एग्जाम, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।